नमस्कार दोस्तों, आज 25 मई 2022 दिन बुधवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या बिक्री खुली लहसुन की। यह दोस्तों इनके पास ये सारा जो रैक रखा है सारा हिमाचल है, हिमाचल वाले माल ये। क्या है जी, ये मध्य प्रदेश के, जानते हैं आज का जितेंद्र खुराना जी पे क्या कुछ बाजार चला। एक छह घंटे तो लिया इनको। सर जी नमस्कार जी, सर जी आज का क्या कुछ बाजार है जी, कितनी गाड़ियां हैं जी मंडी? 10-11 गाड़ी है। हाँ जी, और आज कल से कम है ज्यादा जी? कल से कम है। अच्छा जी, बाकी सेल ठीक चल रही है। अच्छा जी, तो अपने पास ये हिमाचल वाले जी इधर? नहीं आज हिमाचल कम आया है। नहीं ये तो हिमाचल, ये हिमाचल वाला, ये हिमाचल का सी ग्रेड है। अच्छा जी। हाँ, और आज एमपी की गाड़ी आई हुई है, ये एमपी के किसान है। अच्छा जी। हाँ, सागर जिला के एमपी से आते हैं? हाँ जी, एमपी के किसान आए हुए आपकी वीडियो देख के। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी दोस्त, क्या नाम है तेरा भाई? आभास लोधी। अच्छा जी, तो आप एमपी से कौन सी जगह से जी? जी जिला सागर। जिला सागर, तहसील लेवरी। अच्छा जी, गांव खमरिया। वीडियो देखते हो? जी देखते हैं आपका। अच्छा जी, तो आपके वहाँ फसल कैसी है लहसुन की? बार अच्छी फसल है वहाँ पर। अच्छा। 90% लहसुन की फसल होती है। अच्छा, बढ़िया फसल चल रही है। हाँ, अच्छी फसल। दिल्ली में पहले भी आते हैं कभी? पहली बार आए? पहली बार आए, आपका वीडियो देखते हैं। वाह जी वाह, वीडियो देखते हैं? हाँ देखते हैं। अच्छा, गांव में भी देखते हैं आपके वीडियो? हाँ, बहुत से लोग देखते हैं वीडियो। अच्छा जी, अच्छा। एक बार आए थे वीडियो देख के आपके सिमरिया गाँव पे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो बिका लहसुन का भी बिक रहा? हाँ जी बिक रहा है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। तो देख ली दिल्ली की मंडी? नहीं, देख लीजिए दिल्ली की मंडी देख लीजिए। हाँ जी, अच्छे दाम पे बिक रहा है। अच्छा जी, नहीं कोई दिक्कत। कैसा बाजार? ठीक, घूमे फिरे और मंडी में सारे? हाँ, घूम लिए, बाजार देख लिया सारा। हाँ देख लिया। ठीक रेट पे बिक रहा? हाँ अच्छे रेट पे बिक रहा। चलो बहुत बढ़िया भाई बात। क्या नाम बताया आपने अपना? आभास लोधी। आभास लोधी, और इसका दोस्त का क्या नाम? रत्नेश पटेल। रत्नेश पटेल, आपका भी नाम, आपका भी लहसुन का ही काम है? हाँ, हमारा लहसुन का काम है, लेकिन हमने उधर ही में दिया। अच्छा जी, सागर जिला में। अच्छा जी, हाँ जी, इनके साथ में घूमने आए। आपने अपना वहीं पर बेच दिया था? हाँ, सागर जिला में मैं दिया। अच्छा, तो ये भाई साहब लेके आए? हाँ, आप इनके साथ घूमने के लिए? इनके साथ। चलो बढ़िया, दिल्ली की चीज बोले कि साथ में चलो, साथ में आए। चलो बहुत, एक से बोले दो, बहुत बढ़िया जी। तो आज ये अपना हिमाचल वाले काम है जी माल मंडी में? हिमाचल कम आया जी मंडी में। हाँ जी, और पोजीशन वही चल रही है 80-75। सी ग्रेड पड़ा, ए ग्रेड कौन सा जी इसमें? ए ग्रेड यार अभी आया ही नहीं, ये ये है। ये कौन सा जी? ये ज्यादा सी ग्रेड, ये सी ग्रेड है। इसका क्या बाजार है जी? ये चल रहा जी 25-30 रुपए। 25-30 रुपए, ज्यादा ही छोटा है जी जी हिमाचल। एक ये है। हाँ जी हिमाचल, हाँ ये वाले माल चल रहे हैं 60 रुपए से लेके 65 रुपए। हाँ जी, और ये ए ग्रेड के बराबर ही है, थोड़ा इसमें पत्ती खिला हुआ है इसलिए 70 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, अच्छा। ये माल 50-52 रुपए। अच्छा, ये 45-50 रुपए। और जो टॉप माल उस दिन आ रहे थे जी यहाँ, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वैसे माल 80-85 बिक जाएंगे। अच्छा जी, और जो बिल्कुल ही सफेद कलर पे हो और सारे वही 90 तक आप लगा लो, 80-90 पे एक्स्ट्रा माल व्हाइट कलर के एकदम मोटे माल, वो 80-90 उसका बाजार है। माल कम आते हैं। हाँ जी, तो जो नॉर्मल आपके माल आते हैं वो 75-80 रुपए। माल तो वहाँ काफी होते हैं जी हिमाचल में, कहाँ जा रहे जी? माल बहुत है, कुछ अभी वहाँ जाना चालू हो गया, साउथ जाना चालू हो गया उधर से लोडिंग का। अच्छा जी, अच्छा। तो अपने ये मध्य प्रदेश वाले क्या रेट चला जी इनका, तो बता दो जी फिर। एमपी के माल भाई साहब, ये जो राजबंद है, ये राजबंद है कहाँ का? एमपी का ही है। हाँ जी, ये समझो 18, ये मोटा मोटा ऊपर छाप लगी हुई है। अच्छा जी, आप ये माल देखिए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, कट्टों पे दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा ये 18-20 रुपए ये वाले माल, चौथा माल पड़ा जी, हल्का माल है ना। हाँ जी, हाँ जी, एकदम ऐसा मोटा माल हो। हाँ जी, ये जो ऊपर लगा हुआ है ऐसे माल हो तो ये माल समझे आप कि 30-35 रुपए किलो आराम से बिक जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। और जो ये इसमें मिक्सिंग है ये देखिए। हाँ, ये माल में एमपी के मालों में ये दिक्कत आ गई। हाँ, अब की बार यही तो दिक्कत है जी वो। फिर ये तो जो स्टोर करेगा जी लंबे समय तक चलेंगे भी नहीं है? नहीं, ये नहीं चलेंगे। अच्छा जी, हाँ, ये गर्मी की वजह से चेका खा गया। हाँ जी, और अगर ये अब जैसे बारिशें पड़ गई तो भी चेका रुक जाएगा। हाँ जी, और ये दूसरे वाले जी, और ये ये सब दासबंदी है जी, 18-20-22 रुपए ये माल पड़ा। हाँ जी, ये समझो 20-21 रुपए तक जाएगा।
अच्छा जी, ये वाला माल 2500 रुपए तक जाएगा। ये कहाँ वाला जी है? ये भी MP है। और आज पंजाब भी आया जी? नहीं, पंजाब नहीं आया। कल तो आपके पास पंजाब था जी? कल था जी। पंजाब का क्या पोजीशन रही थी जी? पंजाब बिके थे जी 8 रुपए से, 7-8 रुपए से लेके ऊपर में 25-30 रुपए तक। 7 रुपए में तो जी सर जी, फिर पंजाब से यहाँ लहसुन जानना, उसका किराया कट्टा, वही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे किसानों की तरफ। अब ये गोली आई हुई है। हाँ जी, अब इसकी पोजीशन 7-8 रुपए है। ये कहाँ वाली जी? ये MP की है। अच्छा जी, अब 7-8 रुपए में किसान को बेचारे को पड़ेगा क्या? हाँ जी, जो मेरा गार्लिक ऑयल का सपना है कि गार्लिक ऑयल की मशीन हर गांव में लग जाए। हाँ जी, तो उससे कम से कम इतना तो होगा कि 7 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए बेचने की जरूरत नहीं किसान को। हाँ जी, उसका भाव लग रहा है 10 रुपए, नहीं बेचना, उठाओ तेल बनाओ खत्म। अच्छा जी, किसी ऊपर बाउंड होने की जरूरत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और वो सादा तेल, जितना भी किसान तेल बनाएगा सादा एडवांस बिका हुआ है, जिसका नहीं बिके वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर कहाँ से मिलेगी जी मशीन वो? सर मशीन मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ये चाइना से आएगी। हाँ जी, चाइना से आएगी और मैं भी इस पर लगा हुआ हूँ। अगर कोई भी लिंक मिलता है मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा। वैसे तो बहुत फ्रॉड लिंक यूट्यूब पर मिल रहे हैं, मैंने उनको कन्फर्म किया, बट वो फ्रॉड है। अच्छा, अगर कोई ढंग का लिंक मिला और लगता है कि उससे ये जेन्युइन पार्टी है तो उस लिंक को मैं शेयर करूंगा आपके माध्यम से। तो फिर उससे लोग ले सकते हैं वो मशीनें अपनी, लगा सकते हैं? नॉर्मल लगा सकते हैं, कोई बहुत महंगी मशीनें नहीं है, 2-2, 4-4 लाख की मशीनें हैं। हाँ जी, उससे आराम से आप तेल निकालें, और आपका जब मुद्दा हो नहीं बेचो, तेल निकालो और रख लो। हाँ जी, हाँ, आपका तेल एडवांस बिका हुआ। अच्छा जी, ये UP वाले माल भी आ रहे जी अब मंडी में? मंडी में आ रहे हैं जी। हाँ जी, और राजस्थान के जी? राजस्थान तो आई था, छिपा बड़ोद। हाँ जी, और जो छिपा बड़ोद क्या जी, इसके ऊटी के माल की क्या पोजीशन दी आज की? ऊटी भाई साहब यही चल रहा है, नीचे में 20 रुपए, ऊपर में 50-55-60 रुपए डब्बों में। डब्बो वाला जी? अच्छा जी, नॉर्मली पोजीशन चल रही जी वही, इसी के दरमियान रेट घूम रहा है? सेम रेट चल रहा। अच्छा, कहीं भी उठा पटक नहीं है, बस इसमें यही है कि कभी गाड़ियाँ कम आ जाती हैं कभी ज़्यादा। हाँ, सब बारिश होने से थोड़ी सी बिक्री में सुधार आया, थोड़ा सा करंट है जी, ये जो लेने वाले नहीं, बिक्री में सुधार आया। बिक्री सुधार का मतलब है नहीं, खरीदारी बड़ी है, बड़ी। हाँ, अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। चालीस